गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। क्लास 12 में आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लिंग संलग्न वंशागत। ठीक, हम इसमें जानेंगे कि जो लिंग संलग्न, जो पिछला वीडियो था वो लिंग संलग्न गुण था, तो उसमें हमने एक्स लिंग संलग्न गुण पढ़े, वाई लिंग संलग्न गुण पढ़े, एक्स वाई लिंग संलग्न गुण पढ़े। ठीक, लेकिन वो गुण जो हैं या रोग हैं, जो वो रोग हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे, तो इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कि जो रोग के लक्षण हैं या गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति। ठीक, तो इसमें पहला है अप्रबल या दुर्बल या सुप्त एक्स संलग्न वंशागति। ठीक, तो आज हम यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये हम देख लें, ये सारणी देख लीजिए आप। देखिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पुरुष और स्त्री में, जो पुरुष है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं लिंग संलग्न। ठीक, पुरुष जो है उसमें एक्स वाई लिंग संलग्न गुण पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो स्त्री होती है उसमें एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक, तो अब स्त्री जो होगी सामान्य कैसे होगी, जब एक्स और एक्स पर दोनों पर रोग का लक्षण नहीं होगा तो स्त्री सामान्य होगी। अगर इसमें लिखा हुआ दूसरा रोग वाहक स्त्री, अगर कोई स्त्री में कोई रोग का लक्षण है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, तो स्त्री जो है रोग वाहक कब होगी, तो जब एक जीन, एक एक्स पर रोग का जीन होगा और दूसरे पर नहीं होगा, तो स्त्री कैसी होगी, रोग वाहक होगी। एक एक्स पर जीन है लेकिन एक एक्स पर नहीं है, तो ऐसी स्त्री रोग वाहक होगी। लेकिन क्यों होगी ये भी जान लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये प्रबल जीन है और ये अप्रबल जीन है, ये प्रबल जीन और ये अप्रबल जीन। ठीक, नहीं, ये मतलब जो है इसमें ये प्रबल जीन है और ये अप्रबल जीन है, तो जो प्रबल जीन है, जो प्रबल जीन है वो अप्रबल जीन को प्रदर्शित नहीं होने देगा। फिलहाल उस संतान में रोग के लक्षण तो होंगे लेकिन वो प्रदर्शित नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो प्रभाविता का नियम आपने पढ़ा था तो वही नियम लागू होता है कि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण के जीन को प्रदर्शित नहीं होने देगा, तो ऐसी स्त्री रोग वाहक हो जाएगी। और रोगग्रस्त में क्या होता है, रोगग्रस्त में क्या होता है कि जो स्त्री के दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, तो प्रबल और अप्रबल, मतलब प्रभावी और अप्रभावी, दोनों पर जब रोग का लक्षण है तब तो वो 100% प्रदर्शित ही हो जाएगा, तो ऐसी जो संतान प्राप्त होगी वो कैसी होगी, रोगग्रस्त होगी। और ऐसी जो स्त्री होगी वो कैसी होगी, रोगग्रस्त होगी। पुरुष में दो ही चीजें होती हैं। देखिए, पुरुष में केवल एक एक्स ही होता है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्स संलग्न वंशागत, ऐसे जीन, ऐसे रोग जो केवल एक्स के साथ लगे हों। तो जो पुरुष है, पुरुष में तो एक ही एक्स है एक एक्स, तो ये एक एक्स क्या करता है, अगर इस पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो रोग का लक्षण नहीं होगा या तो फिर रोग का लक्षण होगा। अगर कोई रोग का जीन है इस पर, अगर कोई रोग का जीन है तो रोगग्रस्त, अगर नहीं है तो पुरुष सामान्य हो जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसको, यही भाषा भी लिखी हुई है, यही भाषा लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, मनुष्य में कुछ आनुवंशिक रोग कौन कौन से, वर्णांता, हीमोफीलिया, रतौंधी आदि। ठीक, तो मनुष्य में कुछ आनुवंशिक रोग के जीन एक्स लिंग गुणसूत्र के असमजात भाग पर स्थित होते हैं। ठीक, हम लोगों को पता है कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में दो भाग होते हैं, एक समजात और दूसरा विषमजात। ठीक, तो जो ये एक्स के जो जीन होते हैं, रोग के जो जीन होते हैं, वो लिंग गुणसूत्र के असमजात भाग पर स्थित होते हैं। ठीक, और अप्रबल होते हैं, कैसे होते हैं, अप्रबल होते हैं, मतलब जो रोग का लक्षण होगा वो अप्रबल पर होगा। चाहे तो मान लेते हैं हम इसको
इसको प्रबल मान लें और इसको अप्रबल मान लें। तो इस पर जो रोग के लक्षण होंगे वो किस पर होंगे? अप्रबल जीन पर होंगे। ठीक, तो गुणसूत्र के समजात भाग पर स्थित होते हैं और अप्रबल होते हैं। मतलब जो ये रोग के लक्षण होंगे वो किस गुणसूत्र पर होंगे? अप्रबल या अप्रभावी गुणसूत्र पर होंगे। ठीक, इसका प्रबल जीन रोगहीन दशा को स्थापित करता है। इसका अप्रबल जीन, देखिए ये कैसा, ये अप्रबल, ये कैसा, ये प्रबल और ये कैसा, अप्रबल। तो देखिए रोग का जीन किस पर? अप्रबल पर है, और जो प्रबल जीन है वो कैसा है? वो रोगहीन दशा को स्थापित करता है। ठीक, तो ये बात समझ गए। जैसे दो जीन है, कौन सा दो जीन है मान लेते हैं, एक प्रबल है और दूसरा अप्रबल है, एक प्रबल जीन और दूसरा अप्रबल जीन। तो जो रोग के लक्षण होंगे वो किस पर होंगे? अप्रबल पर होंगे, और जो प्रबल जीन होगा वो कैसा होगा? वो स्वस्थ होगा, क्योंकि वो उस पर कोई रोग का लक्षण नहीं होगा। और अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर रोगग्रस्त हो जाएगा। अगर रोगग्रस्त का लक्षण आ गया इस पर, प्रबल पर, तो फिर समझिए स्त्री जो है रोगग्रस्त हो जाएगी और पुरुष रोगग्रस्त हो जाएगा। जब तक कि इस पर कोई रोग का लक्षण नहीं आता तब तक ये कैसा है? बिल्कुल स्वस्थ जीन है, रोग जो रोग ग्रसित नहीं होगा ये। ठीक, तो यही बात कही गई है कि इनका प्रबल जीन रोगहीन दशा स्थापित करता है। तो इतना समझ में आ गया कि मनुष्य के कुछ आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया, वर्णांतर, रतौंधी आदि के जीन एक्स लिंग गुणसूत्र के असमजात भाग पर स्थित होते हैं और अप्रबल होते हैं। मतलब जो रोग के लक्षण होंगे वो अप्रबल भाग पर होंगे, प्रबल भाग पर संभवता नहीं होता है, अगर होगा तो फिर रोगग्रस्त हो जाएगा। ठीक, इनका प्रबल जीन रोगहीन दशा को स्थापित करता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। पुरुष में केवल एक एक्स लिंग गुणसूत्र होने के कारण ऐसे लक्षणों का केवल एक ही जीन होता है। देखिए जो पुरुष है, पुरुष में कितने एक्स होते हैं? केवल एक एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, तो तब क्या होगा? एक ही जीन। और तो ऐसे रोग के लिए केवल एक ही जीन होता है। मतलब अगर रोग होगा तो एक्स पर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर पुरुष कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। ठीक, अतः एक ही अप्रबल जीन से रोग के लक्षण विकसित हो जाते हैं। वही बात कर रहे हैं, अब हमारे पास एक एक्स है, तो एक एक्स में चाहे हम इसको प्रबल कहें और चाहे अप्रबल कहें, तो मोस्टली ये अप्रबल होता है। तो जैसे ही इस पर कोई रोग का लक्षण आएगा तो पुरुष कैसा हो जाएगा? रोग ग्रसित हो जाएगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक कैसा रहेगा? पुरुष सामान्य रहेगा। तो वही कह रहा है कि पुरुष में केवल एक एक्स लिंग गुणसूत्र होने के कारण ऐसे लक्षणों का केवल एक ही जीन होता है, अतः एक ही अप्रबल जीन से रोग के लक्षण विकसित हो जाते हैं। ठीक, जबकि ये रोग संकर स्त्रियों में विकसित नहीं होते हैं। देखिए अगर स्त्री संकर होगी, मतलब वाहक होगी, जो हाइब्रिड, जो संकर होगी स्त्री, उसमें रोग विकसित नहीं होते हैं। क्यों नहीं विकसित होते हैं? देखिए जो अप्रबल जीन है उसको प्रबल जीन प्रदर्शित नहीं होने देता, प्रभाविता का नियम। तो इसी वजह से जो स्त्रियां होती हैं वो रोग की वाहक हो सकती हैं। ठीक, लेकिन अप्रबल जीन के लिए शुद्ध नस्ली समयुग्मजी स्त्रियों में ये लक्षण विकसित हो जाते हैं। और अगर ये दोनों पर होगा, जीन होगा, तो स्त्रियां कैसी हो जाएंगी? रोग के लक्षण उसमें विकसित हो जाएंगी। ये लक्षण पिता से पुत्रियों को, ये लक्षण जो है पिता से पुत्रियों को तथा माता से पुत्रों और पुत्रियों दोनों को प्राप्त होते हैं। ठीक, ये लक्षण किससे प्राप्त होते हैं? पिता से पुत्रियों को जाते हैं और माता से पिता और पुत्रियों दोनों को प्राप्त होते हैं। स्त्रियां प्रायः रोग की वाहक होती हैं। ठीक, स्त्रियां कैसी हो सकती है? प्रायः रोग की वाहक हो सकती हैं। तो ये सारणी आपको मेन इंपॉर्टेंट है, ये सारणी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड हम आपको अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन देंगे। अगर ये सारणी आपको याद है तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारणी आप ध्यान रखिए। ठीक, तो आज इतना ही, कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।